सुमन अर्पित करेंगे। ये कितना मुश्किल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो या फिर ये कितना मुश्किल वक्त, जब देखिए जब जब बड़े फैसले इस देश ने लिए, दुश्मन को जब जवाब देने की जब असल मौके पड़ते थे, तब एक एक जो ग्रुप मीटिंग होती थी उसमें देखिए यही वो चेहरे थे शायद, और शायद क्या वाकई कोई नहीं सोच पाता कि किसी दिन एक अपने ही समकक्ष को इस तरीके से जिनके साथ बैठकर डिसाइड किया जाता रहा हो कि किस दुश्मन का जवाब किस माकूल तरीके से देना है, उसको इस प्रकार भावभीनी श्रद्धांजलि देनी होगी। ये बिल्कुल ये सपने में भी नहीं सोचा जा सकता, और आज वो करना पड़ रहा, आज वो देश तस्वीरें देख रहा है अपने उस जाबाज हीरो को इस प्रकार जाते जिसने सर्जिकल स्ट्राइक एक ऐसे कारनामे को अंजाम दिया जिस पर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया, और आज जिनके साथ मिलकर प्रधानमंत्री ने वो तमाम चीज़ें रात भर बैठ कर देखी कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, आज जब वो खुद ये तस्वीरें ये खुद जब उनको नमन करने के लिए पहुँच रहे इस तरीके से विदाई देने के लिए, तो दिल पर क्या बीत रही होगी ये सिर्फ समझा जा सकता, इसको शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। श्रद्धा सुमन अर्पित करते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरबेस पर। जाहिर तौर पर पूरा देश इस वक्त साथ है इन वीर सपूतों के परिवारों के साथ, लेकिन यह बहुत मुश्किल घड़ी है जब उनको ढांढस बढ़ाना हो शब्द कम पड़ जाते हैं ऐसे मौके पर, लेकिन सम्मान में सर झुक जाता है पूरे देश का ऐसे वीर सपूतों के परिवारों को देखकर जो पूरी शिद्दत से हौसले के साथ एक जज्बे के साथ इस मुसीबत में भी तनकर खड़े रहते हैं और देश के साथ ये संदेश देते हैं देश को कि हमें पता है आप हमारे साथ हैं और इसे भी हम हंसते हंसते निकाल लेंगे इस मुश्किल घड़ी को भी आपके साथ के जरिए। लेकिन वही जब आज प्रधानमंत्री को आप सीधा देख पा रहे हैं इस वक्त श्रद्धा सुमन अर्पित करते उनके दिल पर क्या गुजर, कल एक तस्वीर सामने आई थी जो हम सब ने देखा, वो तस्वीर बताने के लिए काफ़ी थी कि जब उनको उन तक इन्फॉर्मेशन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में जानकारी जब आज उन्होंने दी उससे पहले कल सबसे पहले जब इन्फॉर्मेशन सामने आई तो प्रधानमंत्री तक ये जानकारी पहुँचाने का जिम्मा उन्हीं के कंधों पर